कहाँ लिखा है उन्हें पता नहीं होता, उनसे पूछ लिया जाए, जनजनित मानस के भाषा में लिखी गई है तो उन्हें पता नहीं होता है। तो यहाँ अपने यहाँ बहुत बड़ी समस्या, मैं कहना चाहूंगा भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म मत संप्रदाय हैं, चाहे वो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, इन सब में एक बार पढ़ लीजिए, फंडा खुद ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग उसे पढ़कर अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ चिराग तले अंधेरा बनी। सुधांशु जी, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत अब एक यहाँ पे देश प्रमुख नरेंद्र, तो उसमें ये हुआ है कि अयोध्या से जो राम मंदिर के मुख्य महंत जी हैं उन्होंने समर्थन दिया है राहुल जी को और चंपन राय जी ने भी, तो इससे लेकर भाजपा के असहज महसूस कर रहे कि आने वाले चुनाव में उसे इसका हुआ। देखिए, हम तो भगवान राम के उस आदर्श को मानते हैं जो कहते हैं बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, यानी किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, जो भी भगवान राम के साथ आना चाहे और यदि मजबूरी में भी आना चाहे या चुनावी कारण से भी आना चाहे तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि अब भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा। बंगाल का चुनाव आता है तो ममता बनर्जी की चुनावी मंच से चंडी पाठ करती है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी की चुनावी मंच से देवी स्तुति करती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान दिखने लगते हैं, गुजरात का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी को दिल्ली में भगवान दिखने लगते हैं नोट में। कोई बात नहीं, कोई भी किसी भी भाव से आना चाहे स्वागत है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उनका। चंपन राय जी ने समर्थन व्यक्त किया, उसको लेके भाजपा क्या सोचती है? आपसे कह दिया रीज भजे चाहे खींच, राम सेतु पर गवर्नमेंट के रुख से आप एग्री करते हैं? आने वाले दिनों में यात्रा शुरू करेंगे नड्डा जी के समर्थन में, नेतृत्व में भारत जोड़ो की तरह राहुल गांधी काउंटर करेंगे। देखिए, जहां तक स्वतंत्र भारत में यात्राओं का प्रश्न है तो जो यात्रा हमने निकाली है उन्होंने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया। 1953 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर की यात्रा निकाली, अपना बलिदान दिया, परंतु उसी के बाद इस देश में दो विधान और दो प्रधान समाप्त हुए। उसके बाद आप याद करिए अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली, पूरे भारत की राजनीति नहीं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ बदल गया। उसके बाद याद करिए 1992 में जब इस देश में वो स्थिति हो गई थी कि श्रीनगर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी गवर्नर भी झंडा नहीं फहरा सकता था, तो हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने यात्रा निकाली और उसके संयोजक युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और वहां से राष्ट्रवाद का नया स्वरूप निकल के आया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हमने जब जो यात्राएं निकाली हैं तो उन्होंने युगांतर स्थापित किया है और वो हमेशा राष्ट्र, समाज और संस्कृति के लिए थी, किसी व्यक्ति या नेता के लिए नहीं। नीतीश राम राम से जो एक एक्चुअली में समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी हर चीज में आगे हर चीज का विशेषज्ञ बन जाती है। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तो आप याद करिए कहते थे मुहूर्त ठीक नहीं है, अरे भाई ये वो लोग हैं, जब हम लोग की सरकार के जमाने में एस्ट्रोलॉजी कोर्स के रूप में आया तो कहते हैं अंधविश्वास है और आप कहते हैं मुहूर्त ठीक नहीं। आप देखिए कितनी डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर है, वो अगर आज कह रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर मैं किसी की बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम का मंदिर जब बनना शुरू हुआ तो मैं फैक्ट भी आपको बता दूं, जब हमने पहली बार शिलान्यास किया था प्रतीकात्मक 9 नवंबर 1989 को, वो देवोत्थानी एकादशी थी, जाके चेक कर लीजिएगा, जो पहली कार सेवा हुई 30 अक्टूबर 1990 को वो भी देवोत्थानी एकादशी थी, देवताओं के उत्थान के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। तो जब मकर संक्रांति का वह पर्व आएगा अगले वर्ष उत्तरायण से, दक्षिणायण से उत्तरायण, जब भारत का स्वाभिमान में नीचे से ऊपर उठ रहा होगा, ये काल चक्र की गति है, जो तारीख देखने की कोशिश करते हैं वो दृष्टि को समझ नहीं पाते।